करेंगे। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके पहले पति गुलाम हैदर के भारत में वकील ने पानीपत कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने सीमा को पेश होने का नोटिस भी जारी किया है। पहले सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से आई। ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से शादी का दावा किया, उसके परिवार के साथ रहने लगी। लेकिन पाकिस्तान में बैठा उसका पहला पति गुलाम हैदर सीमा को चैन से नहीं बैठने दे रहा। वो भारत में अपने वकील के जरिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। सीमा हैदर की अब एक और नई मुश्किल बढ़ने जा रही है। गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा के बाद अब उसके खिलाफ पानीपत में केस किया गया है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने पानीपत कोर्ट में याचिका लगाई। मोमिन ने सोशल मीडिया पर उनकी छवि को खराब करने का आरोप लगाया है। मोमिन का कहना है कि कोई भी विदेशी शख्स भारत सरकार की इजाजत के बिना फिल्म या रील नहीं बना सकता, लेकिन सीमा हैदर सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव हैं और वो लगातार रील बना रही हैं। सीमा उनके, गुलाम हैदर और भारत के लोगों के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रही हैं। कोर्ट ने मोमिन मलिक की याचिका को स्वीकार कर लिया। उसके बाद सीमा हैदर को 2 जुलाई के दिन कोर्ट में पेश होने का नोटिस भी जारी कर दिया। मोमिन के मुताबिक सीमा हैदर रबुपुरा थाना प्रभारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, गूगल और इंस्टाग्राम को नोटिस जारी किया गया है। मोमिन मलिक ने सीमा, सचिन मीणा और वकील एपी सिंह पर मानहानि का नोटिस भी भेजा है। पहले सचिन और सीमा पर 6 करोड़ तो एपी सिंह पर 5 करोड़ का नोटिस भेजा था। अब ये राशि भी बढ़ गई है। मोमिन का कहना है कि सीमा ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया है, यहाँ तक कि उन्हें आतंकवादी बताया गया, हवाला का पैसा आने की भी बात कही। उन्होंने सीमा के यूट्यूब चैनल को बंद करने के लिए सरकार को पत्र भी लिखा। मोमिन का आरोप है कि विदेशी कानून के तहत सीमा हैदर की तरफ से नियमों को ताक पर रखा गया है। सीमा हैदर को भारत आए 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीणा के साथ रहती है। सोशल मीडिया में भारत से लेकर पाकिस्तान तक उसकी चर्चा होती है। सीमा अक्सर ट्रोल करने वालों के टारगेट पर भी रहती है। इसको लेकर भी सीमा की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। वहीं पाकिस्तान में उसका पहला पति गुलाम हैदर चैन से नहीं बैठा, वो उसके खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहा है। गुलाम का कहना है कि शादीशुदा होते हुए सीमा की दूसरी शादी जायज नहीं है। इस मामले में 10 जून को ग्रेटर नोएडा की एक अदालत में उसकी पेशी भी है, जहां उसे तमाम सबूत पेश करने को कहा गया है, जिससे सीमा मुश्किल में घिरी हुई है। अब गुलाम के वकील ने पानीपत में भी उसके खिलाफ केस कर दिया है, जिससे सीमा हैदर के सामने चुनौती काफी बड़ी होती जा रही है। सीमा हैदर का पाकिस्तान से भारत आना ही दुश्वारियों भरा रहा है, जिससे उस पर कानूनी शिकंजा भी कसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अलार्मिंग कंडीशन कि जब आप इस क्रिटिकल पोजीशन में हो जाते हो कि आपको होम रेमेडी चाहिए बिफोर कि आप डॉक्टर तक पहुंचे, आप कुछ ऐसा उपचार क्या करें जिससे हम पेशेंट को इधर नवी मुंबई पुलिस ने सलमान खान पर हमले की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने इस मामले में 5वें आरोपी को हरियाणा के भिवानी से गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम है जॉनी वाल्मीकि। इससे पहले पुलिस ने हत्या की साजिश रचने वाले 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब 5वां भी कानून के लंबे हाथों की जद में है। सलमान की हत्या की साजिश में नया पर्दाफाश। लॉरेंस और संपत नेहरा गैंग की बड़ी साजिश नाकाम। 70 गुर्गों ने रखी थी सलमान खान पर नजर। 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने बाइक पर सवार 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लोगों को लगा कि सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले पकड़े गए, लेकिन 1.5 महीने बाद चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ। क्या है पूरी कहानी, आखिर सलमान खान की जान के दुश्मन कौन है, बताएंगे। लेकिन उससे पहले जहन में 2 नाम याद रखिए, लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग। नवी मुंबई पुलिस के मुताबिक इन दोनों गैंग के 60 से 70 गुर्गे सलमान खान की जान के दुश्मन बने हुए थे। इस गैंग के गुर्गे मुंबई, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे और गुजरात से आए थे और लगातार सलमान खान पर नजर रख रहे थे। इनमें से एक टीम मुंबई जबकि दूसरी टीम नवी मुंबई में काम कर रही थी। और ये पर्दाफाश हुआ सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद। एक दिन पहले पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा था जो पनवेल के अलग अलग इलाके में रह रहे थे।
लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अभी गिरफ्तार हुए आरोपी और 14 अप्रैल को जो शूटर गिरफ्तार हुए थे उनके बीच कोई संबंध नहीं है। दो अलग अलग टीम सलमान खान की जान की दुश्मन बनी हुई थी और दोनों टीम एक दूसरे से बिल्कुल अनजान होकर काम कर रहे थे। हम लोगों ने हमारे कुछ इन्फॉर्मर और हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर्स जिनको ये लोगों का जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप और बाकी सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स है उनमें हम लोगों ने इनको इसमें इन्फिल्ट्रेट किया। उसके बाद ये हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें काफ़ी दम है और इन्फॉर्मेशन वर्कआउट करने जैसे है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो चार आरोपी है उनको एक हैदराबाद से, एक बैंगलोर से, एक संभाजीनगर से इनको अरेस्ट किया। इनको अरेस्ट करने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान की हत्या की पूरी साजिश तैयार कर ली थी। सलमान खान की हत्या के लिए लॉरेंस गैंग ने कई ग्रुप बनाए। इस गैंग के गुर्गों ने सलमान के घर और फार्म हाउस की रेकी की। इस गैंग के शूटर गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी से भी संपर्क में थे। पुलिस का दावा है कि उनके पास सलमान की हत्या की साजिश के पुख्ता सबूत है। जो गुर्गे इस गैंग से जुड़े थे उन्हें अजय कश्यप नाम का आरोपी कोऑर्डिनेट कर रहा था। पुलिस ने पनवेल से जिन चार आरोपियों को गिरफ्तार किया उनमें अजय कश्यप भी गिरफ्तार हुआ है। हत्या की साजिश में पाकिस्तान का भी एंगल सामने आया है। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। तो सलमान खान को लेकर किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा है, गिरफ्तारियां हुई हैं और लॉरेंस गैंग ने बहुत बड़ा प्लान तैयार किया था और सलमान की हत्या के लिए लॉरेंस गैंग ने शूटर्स से ना सिर्फ रेकी करवाई बल्कि पाकिस्तान से हथियारों की बाकायदा एक डील भी की गई थी। आखिर सलमान की हत्या का पूरा प्लान क्या था वो आपको बताते हैं। सलमान खान की हत्या की साजिश सामने आया, पाकिस्तान कनेक्शन। नाबालिग शूटर का करते इस्तेमाल। AK-47 से सलमान का सीना छलनी करते। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 शार्प शूटर हैं। धनंजय उर्फ अजय कश्यप, संदीप बिश्नोई उर्फ गौरव भाटिया, वापसी खान उर्फ वसीम चिकना, जीशान खान उर्फ जावेद खान, दीपक हवा सिंह उर्फ जॉनी वाल्मीकि। ये पांचों अब नवी मुंबई पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन यही वो शूटर हैं जो सलमान खान की जान लेना चाहते थे और इनके पीछे है लॉरेंस और संपत नेहरा गैंग। अब आपको बताते हैं कि इन शूटरों ने सलमान खान की हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए क्या प्लान तैयार किया था। धनंजय उर्फ अजय कश्यप पाकिस्तान से हथियारों की डिलीवरी करवाने में लगा हुआ था। हथियारों की डील के लिए अजय कश्यप ने पाकिस्तान में बैठे डोगर नाम के दो आदमी से बात की थी। इस दौरान डोगर ने वीडियो कॉल पर अजय कश्यप को AK-47 समेत कई हथियार भी दिखाए। इसमें एक और अहम किरदार सुखा शूटर का नाम भी सामने आया। लॉरेंस गैंग का सुखा शूटर अजय कश्यप के संपर्क में था। सुखा शूटर सीधे अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था और इस तरह लॉरेंस गैंग ने सलमान की हत्या की साजिश के लिए पूरा जाल बिछाया था। गैंग का एक मेंबर रेकी कर रहा था तो दूसरा हथियारों की जुगाड़ में लगा हुआ था। अच्छी बात है कि ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली और हम इसको उनको जो प्लान है प्लान रिवर्स करने में काफी उनके पास में इन्फॉर्मेशन मिली है। कुछ फोटोज और वीडियोज मिले है, उनमें वेपन्स जो है वो दिख रहे हैं लेकिन हम लोगों ने इसे सीज नहीं किया अभी तक, लेकिन और भी कुछ लोग जो बाहर है उनके पास ऐसे होने की संभावना है। जा रहा था कि सलमान की हत्या करने के लिए सुखा शूटर और अजय कश्यप में कई बार बात हुई थी। इस दौरान अजय कश्यप ने सलमान को बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही हमले का प्लान भी तैयार किया और यही वजह है कि अजय कश्यप और उसके गुर्गों ने सलमान के फार्म हाउस से लेकर मुंबई वाले घर तक रेकी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग ने सलमान खान की हत्या के लिए नाबालिग शूटर के इस्तेमाल की भी योजना बनाई थी। लॉरेंस गैंग का प्लान था कि अगर शूटर नाबालिग होता तो उसे ज्यादा सजा नहीं होती। प्लान ये भी था कि सलमान खान को मारने के बाद शूटरों को पनवेल से भगाकर सीधे कन्याकुमारी पहुंचाना था और कन्याकुमारी से शूटरों को अनमोल बिश्नोई सीधे श्रीलंका भेजने वाला था और फिर श्रीलंका से शूटरों को दूसरे देश भेजा जाता। सलमान के घर हुई फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई मुख्य आरोपी हैं। इसके अलावा गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, संपत नेहरा समेत 18 आरोपियों के नाम हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।